Assalamualaikum. Good morning. Subah Good morning, everybody. Welcome, welcome. अच्छा जी, बड़े रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं और किस चीज़ के? मतलब वो नहीं जो आप पहले कह रहे थे, हम जरा मानसून की बात कर रहे हैं और बारिशों की बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये है, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि कितने महीनों से सारे शहरों में पाकिस्तान में बारिशें भी हो रही हैं और कहीं तो बहुत सैलाबी टाइप सिचुएशन भी बन जाती है. मतलब जब मानसून ख़त्म हो रहा होता है ना, बिल्कुल इट्स गोइंग, तो फिर कराची और सिंध में जाके होता है और फिर ठीक ठाक किस्म का बरसता है. उस तरह से खुल के बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बूंदाबांदी गुज़श्ता कई हफ्ते ऐसे गुजरे हैं जहाँ लिटरली रोज़ ही शावर होता है. लेकिन वो हमने आपको कितनी बार बताया कि हम रोज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बादल और वो सिस्टम ऐसा बना होता है कि लगता है इट शुड रेन, बट इट नेवर वुड. उस तरह खुल के कभी बारिश नहीं होती थी. बना हुआ है और शहर मानसून सिस्टम के जरिए असर है. आज से मानसून सिस्टम में मजीद शिद्दत आने का इम्कान है. मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश जारी है. आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान कराची समेत सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है. कराची में 150 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की जा रही है. भारतीय शहर गुजरात से सिस्टम 29 अगस्त की शब जनूबी सिंध में कराची और बदीन के करीब पहुंचेगा. विच इज़ टुमारो बाय द वे. तो लिहाजा अभी हमें और भी काफ़ी बारिश मिलने वाली है. पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें बिल्कुल जारी हैं और मुल्तान में कल तूफानी बारिश का 48 साल रिकॉर्ड जो है Imagine. वो टूट गया है. और एक्चुअली व्हेन यू लुक एट द विजुअल्स तो घबराहट सी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है. 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश अभी थोड़े चंद हफ्ते पहले ही लाहौर में रिकॉर्ड टूटा था जहां इतनी बारिश हुई थी कि दहाइयों पुराना रिकॉर्ड टूट गया था. मुख्तलिफ इलाकों में इसके अलावा जो अजला हैं उनकी बात करें, जिला चकवाल में चोआ सैदन शाह में शहर से गुजरने वाले नाले का पानी जो है वो आम शहराओं पर आ गया. मतलब इतना ज़्यादा वो भर चुका है और उसमें वहाँ दुकानें करीबी आबादी में बिल्कुल घुस चुका है और काफ़ी बुरा हाल है वहाँ. जेलम फिर दादन खान में बारिश के बाद सैलाबी रेले से नशेबी इलाके जो हैं वो भी जेरे आब आ गए. हर जगह बेसिकली बारिश जो है कुछ ज़्यादा ही हो रही है और शदीद बारिशों के बायस नाला डीक जफरवाल के मकाम पर ओवर फ्लो हो गया है. करीबी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है. पंजाब में मानसून का सिस्टम आइंदा 36 घंटों में मजीद मूसलाधार बारिशें बरसाएगा. सो हम मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल और बड़े शहरों की सूरत हाल भी मालूम करेंगे कि क्या तैयारी है और कितनी बारिश कायम है, कितनी बारिश हो गई है. उनीबा जमीन शाह हमारे साथ हैं और कराची का हाल जो है वो हमें बता रही हैं. एक्चुअली हम भी एक तो अपना आंखों देखा हाल बताते रहते हैं, लेकिन उनीबा आप किधर हैं इस वक्त, क्या देख रही हैं? सिचुएशन हैज बीन अंडर कंट्रोल इन कराची. ऐसा कोई नॉट सो बैड सो फार. कोई आमदोरफ्त में मसला नहीं है, मतलब पानी कहीं नजर आ रहा. जी हाँ, ये मलिर होल्ड से मलिर कैंट को जाने वाला रास्ता यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं. आप देख सकते हैं कि सिचुएशन काफ़ी साफ है यहाँ पे, ऐसा कोई पानी जमा हुआ नहीं है. ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर है, लेकिन अब तक जो बारिशों की प्रेडिक्शन की गई थी वो उस तरह की बारिश हुई नहीं है. कहा गया था कि काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिश होगी, चंद इलाकों में तेज़ बारिश हुई है. कल से अब तक जो गुलशन हदीद है वहाँ पर 62 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है, जबकि बिन कासिम का जो इलाका है वहाँ पर 44 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है. बाकी इलाकों में अभी मुतदिल शिद्दत की और कहीं हल्की शिद्दत की बारिश रात से वक्फे से जा रही है. सिस्टम का जो मरकज है जो डीप डिप्रेशन की सूरत में इस वक्त नंगर पाकर के करीब मौजूद है, यानी वो सिंध में दाखिल हो रहा है. कहा जा रहा है कि कराची के जनूब में बुहे अरब में आएगा, यानी बदीन और कराची के करीब रहेगा. जैसे ये सिस्टम का मरकज बुहे अरब में आता है तो कराची में और सिंध के दीगर अजला में तेज़ बारिशों की पेशनगोई की गई है. कराची में कहा गया है कि इस पूरे स्पेल के दौरान जो 31 अगस्त तक प्रेडिक्शन है इस दौरान तकरीबन 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है या इससे ज़ायद भी हो सकती है. और अगर ये जो डीप डिप्रेशन है अपनी इंटेंसिटी बरकरार रखता है और अगर ये रुक जाता है एक जगह, वैसे तो नॉर्मल होता है कि जब ये इस तरह का कोई भी सिस्टम आता है तो वो मगरिब की जानब बढ़ता है, बलूचिस्तान की जानब बढ़ता है. अगर ये रुक जाता है तो इससे ज़्यादा भी बारिशें हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक मजबूत सिस्टम है और उसके जो मरकज में हवाएँ हैं तकरीबन 60 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से चल रही हैं. और ये सिस्टम जैसे ही करीब आएगा तो कराची में शदीद हवाएँ, तेज़ हवाएँ चलने की पेशगोई की गई है. नहीं तो ये सिस्टम कराची के करीब आने की पेशगोई कब की गई है? आज रात में सिस्टम कराची के करीब आ सकता है जिसमें तेज़ हवाएं और आंधी की सी कैफियत होगी, या कल रात तक पहुंचेगा ये सिस्टम कराची के करीब?
जी हाँ, आज रात या कल सुबह तक ये कराची के करीब जुनूब में आ सकता है ये ठट्टा और बदम, क्योंकि इसका बहुत बड़ा है हजूम है, छोटा सिस्टम नहीं, काफ़ी डीप डिप्रेशन है, यानी आप अगर साइक्लोन है ना, ये साइक्लोन बनने से एक पहले की स्टेज है, तो ये काफ़ी मजबूत एक सिस्टम है, अब तक का सिंध का सबसे ताकतवर सिस्टम ये कहा जा रहा है, जो मानसून में ये असरअंदाज हो रहा है सिंध पर, तो ये जब आएगा तो कराची और बदीन के करीब होगा, तो ये आज रात से और या कल सुबह के दौरान ये कराची के करीब आ सकता है और तेज़ हवाएं चल सकती हैं, और हमें आगाह किया गया है कि 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अब्दुल्ला, आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रात जो इस रात परसों रात जो बारिश हुई थी उसके साथ तेज़ हवाएं चली थी, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर आपने बड़े बड़े दरख्त गिरे हुए देखे होंगे, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि काफ़ी तेज़ ये हवाएँ होती हैं जिससे बिल बोर्ड्स, आपके जो सोलर पैनल्स हैं या फिर जो आपके दरख्त हैं या कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नुकसान पहुँचने का अंदेशा रहता है। बिल्कुल, लैंड से फिर समंदर में आएगा तो समंदर में शदीद तुग़यानी रहेगी। बिल्कुल, और ये वार्निंग्स जो हैं हम ख़ासतौर पे इधर जो रहते हैं लोग, हम उनको भी देते रहते हैं कि प्लीज़ ये हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम और बारिश बड़ी कभी कभी होती है कराची में, लेकिन दिस इज़ नॉट द टाइम टू गो टू द बीच, ख़ासतौर पे समुंदर की तरफ तो रुख बिल्कुल ना करें। और उनीबा, जहाँ आप खड़ी हैं, थोड़ा सा हम पूछना भी चाहते हैं आपसे कि कहीं पानी जमा हुआ देख रही हैं कोई, जो हमने पिछले कुछ सालों में कराची के बारिशों के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको, आप आइडेंटिफाई कर रही हैं या नहीं, क्योंकि हमें ज़रा लग रहा है कि बेहतरी हुई है इस बार। जी हुमा, आप बिल्कुल बेहतर कह रही हैं, ऐसा ही है। आप अगर एयरपोर्ट का इलाका देखें, मलीर का इलाका देखें, शारिफ फैसल देखें, ये क्वाइट क्लियर है, लेकिन कल हमारे कुछ नुमाइंदगान ने उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो ओल्ड एरिया है या फिर कुछ आसपास के इलाके हैं जहाँ पर नाले साफ़ किए गए, तो वहाँ का जो कचरा है वो नाले से कचरा निकालने के बाद वो बाहर ही रख दिया गया। अब आप खुद समझें कि जब बारिश होगी तो वो कचरा कोई फिल्टर प्लांट तो वहाँ लगा हुआ नहीं है कि कचरा वापस जा सकता है, जबकि कुछ ओल्ड एरिया के इलाके जहाँ पर रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, जहाँ पे रोड्स टूट फूट का शिकार हैं, जैसे अगर आप शरीफ शाह फैसल कॉलोनी के अंदर जाती हैं या मलीर के जो अंदर के इलाकों में जाती हैं, यहाँ पे एक इलाका है मॉडल कॉलोनी जहाँ से पिंक बसेस और ग्रीन बसेस चलती हैं, वो इलाका पूरा रोड टूट फूट का शिकार है, वहाँ पर पानी जमा है जिसकी वजह से ग्रीन लाइन और जो पिंक लाइन है उसकी जो वो R1 रूट है वहाँ से बसेस का जो है रास्ता तब्दील कर दिया गया, अब वो काला बोर्ड से निकल रही हैं, और ये अभी से नहीं है, ये जो लास्ट बारिशें हुई थी उसके बाद से वहाँ पर पानी जमा है और जगह जगह रोड टूट फूट का शिकार है, तो बसें अपने जो नॉर्मल रूट पर नहीं चल पा रही हैं, जो अंदरूनी इलाके हैं मतलब शहर के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे टूट फूट बहुत हमें नज़र आ रही है, शाह फैसल कॉलोनी में काफ़ी नज़र आई, मलीर के काफ़ी इलाकों में हमें नज़र आई, इस तरह से गार्डन के करीब के जो इलाके हैं जहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार है वहाँ पर पानी जमा है, लेकिन एज सच अगर मैं कहूँ कि ट्रैफिक की रवानी बहुत शदीद मुतासर है तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा यहाँ पर, तो मलीर के जो बाहर की जो मेन रोड्स हैं ये काफ़ी क्लियर हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक नॉर्मल के मुताबिक चल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हम जो विजुअल्स देख रहे हैं, और ये बड़ी आयरोनिक एक बात है, जहाँ इतनी मेहनत हो सफाई का अमल जो है वो हो भी, ऑब्वियस इतना पब्लिक प्रेशर भी होता है, जिस तरह आपने नालों की बात की है, इतनी मेहनत की, बार सारा गंद जो है वो निकाल दिया, नालों को साफ कर दिया, लेकिन फिर वहाँ जो गंद निकाला है उसको भी तो उठा के कहीं और लेके जाए ना, क्योंकि वो जाहिर पानी आएगा तो वो सारा गंद वापस नालों में चला जाएगा, तो मेहनत भी जाया होगी और प्रॉब्लम्स वहीं की वहाँ होंगी, लेकिन एनीवे दिस इज हमें जो भी आपने जगह ने और हम भी पूछते रहते हैं, बेहतरी है डेफिनेटली, अब ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू रेन अ लॉट मोर, फोरकास्ट तो यही कह रहा है, तो हम बस दुआ करते हैं इंशाल्लाह सब ठीक रहे। अच्छा जी, PDMA सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, PDMA के सिंध के डायरेक्टर जनरल सैयद सलमान शाह, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, मानसून का जो नया स्पेल चल रहा है, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ आपको वॉर्न किया गया है कि भाई यहाँ अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, यहाँ सैलाब का ख़तरा है या अर्बन फ्लडिंग हो सकती है? देखिए जी, जो मेनली ये जो इंडिया से जो इस वक्त सिस्टम आ रहा है इंडियन साइड से, गुजरात वाले एरिया से, उसमें ज़्यादा जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो थरपाकर रीजन के जो साउथ सिंध के जो अजला है, जिनमें ठट्टा, सजाल, बदीन, थरपाकर, हैदराबाद, मेपुखास, उमरकोट, सांगढ़, ये इलाके हैं जो कि जिनके ज़्यादा जो कि इसके इन्फ्लुएंस में होंगे, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सिंध के अजला हैं जो कि हमारे नॉर्थ की तरफ पड़ते हैं और वेस्ट की तरफ पड़ते हैं, वहाँ पे भी बारिशें होंगी, तो यहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल तक का हो सकता है और वहाँ पे हैवी रेनफॉल, ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती है उसको क्वांटिफाई करने के लिए, तो तकरीबन पूरा सिंध है जो कि मुतासर हो सकता है। जहाँ तक सैलाब का ताल्लुक है तो सैलाब का सूरतयाल जो ये बारिश का स्पेल है, अगर वो कॉन्टीन्यूअस पड़ा और उसमें कोई वक्फा नहीं आया कि ड्रेनेज कर दिया जाए, पानी का निकाल किया जाए, तो फिर शहरी इलाकों में हल्के सैलाब की तवक्को की जा सकती है,
और इसके अलावा जो हमारा खुजदार रीजन के साथ जो खीथर रेंज के साथ जो तीन अजला है वहाँ पे भी फ्लैश फ्लड का खतरा हो सकता है। राइट, अच्छा ये भी बताएं कि सिंध के जिन इलाकों में सैलाब और नुकसानात का खदशा है वहाँ हुकाम की क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि हमें कंपैरिजन कर सकें और आवाम को क्या एहतियात करना होगा? जब से ये वार्निंग आई है तो चीफ मिनिस्टर साहब ने संडे वाले दिन इसकी मीटिंग कॉल की थी, तमाम कमिश्नर्स को ऑनलाइन लिया गया था और जो भी रेलेवेंट मौके हैं जिसमें लोकल गवर्नमेंट इरीगेशन वगैरह शामिल है, हेल्थ, वो सारे के सारे उस मीटिंग में मौजूद थे। तो जो तैयारियां हैं उनको दोबारा रिव्यू किया गया था और जिन जिन जगहों पे अभी भी कमी बेशी है तो जो दो तीन दिन में जो आखिरी मोमेंट पे जो प्रिपरेटरी काम होते हैं उन कामों को जो है उसका जायज़ा लिया गया था। तो तैयारी तो पूरी की है, पीडीएमए ने अपनी जितनी मशीनरी थी जो कि हमने मुख्तलिफ अजला में भेजनी होती है ताकि बारिश के पानी को निकाला जा सके, वो हैवी मशीन जो है वो डिप्लॉय कर दी गई हैं। तकरीबन 200 के करीब मशीनरी हैं जो हमारी ट्रक माउंटेड मशीन होती है, मोबाइल मशीन है कि वो शहरी इलाकों से पानी निकालने काम आती हैं, उन सबको जो है डिप्लॉय कर दिया गया है एज़ पर द थ्रेट और उस शहर पे कितनी ज़रूरत है मशीनों को। तो ये तैयारियां की गई हैं और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स ने भी जो है वो अजला के वो जगह जहाँ पे ज़्यादा ख़तरा है वहाँ पर उनको फोकस किया है। ड्रेनेज नेटवर्क अगर कहीं पर बंद है या कहीं पे किसी बंदों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है तो उस पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। अच्छा सर, शहरी इलाकों की बात कर लेंगे शाह साहब, ख़ास तौर पर कराची हैदराबाद में बारिश कम भी हो तो असर ज़रा ज़्यादा होता है, सड़कों पे ज़्यादा पानी होता है, फिर सड़कें टूट फूट का ऑलरेडी शिकार हैं, तो पीडीएमए को लगता है कि इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर या शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर इन हालात से निपटने के लिए तैयार हैं? कैन द सिटीज टेक इट? देखिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है हमारा सिस्टम जो डिज़ाइन है वो बहुत कम बारिश के लिए डिज़ाइन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना की वजह से पिछले कुछ सालों से हम मुसलसल जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे वो हैदराबाद हो, या इस साल जैसे सखर में हुई है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके को फुली तौर पर कॉप अप करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ मेजर्स के लेके हम पानी के निकास को जल्द से जल्द मुमकिन बना सकते हैं, जिसमें ये जैसे मैंने आपको बताया कि वो चोकिंग पॉइंट्स जो कि बंद होते हैं अमूमन जहाँ पे पानी खड़ा होता है तो उनको एड्रेस करके उनकी सफाई करके और वहाँ पे और वो जगह जहाँ पे डिप्रेशंस हैं वहाँ पे मशीनें लगा दी जाती है, या वो जगह जो कि हिस्टोरिकली हर बारिश में जो है डूबती है वहाँ पे पानी का निकास का इंतज़ाम परमानेंटली सही नहीं हो सकता तो वहाँ पर मशीनें लगाई जाती है। आवाम को तकलीफ होगी 2-4-6 घंटे के लिए जितनी देर तक पानी खड़ा रहेगा, लेकिन इंतजामिया की फुल कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से जल्द पानी को निकाल के और आवाम को कम से कम तकलीफ हो। शुक्रिया सलमान शाह साहब फॉर बीइंग विद अस। एमए सिंध के डायरेक्टर जनरल हमसे बात कर रहे थे। तैयारी तो है, तैयारी है, ये तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। देखिए तैयारी भी है और फिर एक वार्निंग भी है, एक फोरकास्ट भी है कि बारिशें जितनी अभी तक हुई हैं जो कि बड़ी मैनेजेबल टाइप हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और 29th विच इज टुमारो थोड़ा सा बस कहा जा रहा है। हम साथ में ये दुआ भी कर लें कि भाई इतना ज़्यादा ना हो सिलसिला शुरू जो हम हैंडल ना कर सकें, क्योंकि 150 मिलीमीटर बारिश बहुत होती है और ज़ाहिर है उससे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता है, अर्बन फ्लडिंग और भी 100 चैलेंजेस हो सकते हैं, बिजली का निज़ाम मुतासर हो सकता है, लाख मसाइल हैं। सो हम दुआ ये भी करेंगे कि भाई ठीक है ये सिस्टम आ तो रहा है लेकिन उस तरह से हमारे शहरों को मुतासर ना करे जैसा कि अभी तक जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, एक तो वो हो रहा होता है जिसका हमें डर है कि ये सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज वी हैव सीन इट हैपन इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। उसके बाद फिर स्टेबलाइज करना होता है हर चीज़ को, वापस वो निज़ाम जो है वो दोबारा से इस्टेब्लिश करना पड़ता है, लोगों को जो तकलीफ़ात होती हैं उनके लिए सड़कें टूटी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डैमेज होता है, मतलब उसके बाद की रिहैबिलिटेशन टेक्स अ लॉन्ग व्हाइल और बाय द टाइम वो ठीक होता है एंड मनी एंड फंड्स एज़ वेल। और बाय द टाइम वो ठीक होता है तो दोबारा से एक साल गुजर के एक और स्पेल चलेंगे और वहां पे सूरत हाल क्या है ये मालूम करेंगे। कौन है हमारे साथी जी? हमारे साथ रियाज नारेजो जी। जी बिल्कुल, मैं अभी दादू मोड़ पुल के मुकाम पर दरिया सिंध के पुश्तों पर मौजूद हूँ और यहाँ की बात करें, दादू ज़िले की बात करें और ज़िला जंगशो की तहसील 7 की बात करें तो यहाँ पे सैलाब के वजह से दो अतराफ से सैलाबी कैफियत मौजूद है, जिसमें नमाया कैफियत जो है सैलाब की वो कच्चे के इलाके में दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा देखने में आ रहा है
और उसके नतज में ये हो रहा है कि कच्चे के जो देहात हैं आज मजीद 40 देहात हैं जो पानी के घेरे में आ चुके हैं। 50 से ज़्यादा रबता सड़कें वो पानी में जराब आ चुकी हैं और जो खड़ी काश्त है सैकड़ों एकड़ों पर वो भी उसमें कपास है, उसमें तिल है और सब्जियां हैं वो भी जराब आ चुकी है और मुख्तलिफ स्कूल भी हैं जो भी वो भी पानी के लपेट में आ चुके हैं। और मजमूई तौर पर जो कच्छों के में कच्छे की हम बात करें वहाँ पर लोगों ने मुतालबा किया है कि जो कश्ती सर्विस है वो जिला सतह पर से फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की जाए। जी वही बात है कि बस दुआ करें कि सब कुछ ठीक रहे। वैसे तस्वीर मतलब जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स विजुअली दिखा रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। एंड यू रियली वांट इट टू रेन अ लिटिल लिटिल बिट, हम बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा चाहते। जी मौसम की बात आगे भी होगी लेकिन अभी एक अच्छा मामला। लेकिन एक मामला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये इतना कोई ख़तरनाक किस्म का मामला है, इनफैक्ट वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल विद साइकाइट्रिस्ट लेटर ऑल्सो कि आजकल बच्चों को क्या हो रहा है। लेकिन दो दोस्तों के दरमियान किसी मामले पर ऑनलाइन बहस और तकरार टाइप हुई और वो कत्ल तक जा पहुंची। ये हुआ कहाँ है? सरगोधा में। सरगोधा में आठवीं जमात के तालिबे इल्म ने अपने क्लास फेलो और बड़ा अच्छा उसका दोस्त है उसके घर जाकर फायरिंग करके उसको मार डाला और वाकई ने ऑब्वियसली सबको एकदम से खौफजदा कर दिया कि ये हुआ क्या है। कत्ल का ये वाकया जो है जफर कॉलोनी में पेश आया। दोनों दोस्तों में गहरे ताल्लुकात थे और कुछ अरसे तक तो वो टिकटॉक भी साथ जैसे दोस्त बनाते हैं तो वो टिकटॉक वीडियोस वगैरह भी बनाते थे और फिर कहा जा रहा है कि दोनों में ऑनलाइन किसी बात पे अभी पता नहीं किस बात पे बट एनीवे झगड़ा हुआ है। मक्तूल लड़के के वालिद की जानिब से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक कत्ल करने वाला लड़का मक्तूल बच्चे का क्लास फेलो भी है। मंगल की दोपहर उसने व्हाट्सएप पर कॉल करके उसे घर बुलाया, बाहर आते ही दो फायर कर दिए, एक बच्चे के सर पे लगा एक घर के दरवाजे पे लगा। मौके पर बच्चा चल बसा। पुलिस इस मौके की मजीद तफ्तीश तो कर रही है लेकिन कत्ल का मुलजिम लड़का और उसके अहले खाना घर को ताला लगाकर वहाँ से फरार हो गए हैं, रूपोश हो गए हैं। जाहिर है उनकी ज़िंदगी भी अब तितर बितर हो गई ना, जो लड़के मतलब ने गलती करनी तो थी वो तो कर दी लेकिन बाकी बहन भाई माँ बाप जिनका कोई कसूर नहीं है। 15 साल के ये लड़के हैं जिनमें लड़ाई का लेवल देखें। अव्वल तो ये एक्सेस टू गन्स जो है ना ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किस तरह ये बच्चों के सामने, जब आपको पता है कि उम्रें भी ऐसी हैं और आजकल माहौल भी कोई दुनिया का ऐसा बना हुआ है कि टॉलरेंस लेवल तो बच्चों का भी कम होता जा रहा है और बड़ों का भी, तो आपने क्यों एक्सेसिबल ऐसे वेपन्स रखे हुए हैं। इन एनी केस ज़रा ज़्यादा पता करते हैं कि हुआ क्या था। मलिक असगर है हमारे साथ, हमारे साथ ही क्या मालूम हो सका है। जाहिर है अब एक बच्चा इस दुनिया से चला गया, दूसरा वहाँ से फरार है, कुछ ज़्यादा पता नहीं पता लग पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन फॉरेंसिक हुई मोबाइल की लैपटॉप की, क्या ऐसा मामला हो गया? हाँ, बात क्या थी जिस पे इतनी लड़ाई यहां हो तक गई? पहुंच गई। हाँ वाकया कुछ यूं पेश आया कि दोनों दोस्त थे आपस में, एक निजी स्कूल में जेरे तालीम थे और दोनों के दरमियान व्हाट्सएप चैट का सिलसिला जारी था। ज़राए का कहना है कि दोनों के दरमियान व्हाट्सएप चैट के दौरान तलख कलामी हुई और तलख कलामी के बाद एक दोस्त ने दूसरे को अपने घर बुला लिया और वहां पर उस तलख कलामी की हद ये पहुंची कि जो आने वाला दोस्त है वो अपने हमरा अपने वालिद का पिस्टल भी ले आया। उसने पहला फायर किया जो खता गया, जबकि दूसरा फायर उसने अपने ही दोस्त के सर में मारा जिससे उसकी मौत वाकया हो गई। ये वाक्य ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे माशरे में जो अदम बर्दाश्त है उसकी आप हद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आम लोगों में तो अदम बर्दाश्त है ही लेकिन ये बच्चों में भी अदम बर्दाश्त तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और महज मामूली तलख कलामी पर दोस्त ने अपने ही दोस्त को गोली मारकर कत्ल कर दिया। नहीं कोई ये ट्रेजिक स्टोरी है कि क्योंकि अगर देखा जाए तो जो फौत हुआ वो भी बच्चा और जिसने मारा वो भी बच्चा ही है ना, मतलब 14-15 साल के, क्या आप इनको इतना तो नहीं आप कह सकते कि बड़ी इनकी कोई डिसीजन मेकिंग होगी। तो ये ज़रूर बताएं मलिक असगर कि अब पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी, इसे क्या आम मुलजमों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है? ऑब्वियसली देयर अंडर जुवेनाइल्स हैं, एज देखें इनकी क्या है। जिस 13 साल बच्चे के खिलाफ आप कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, 302 का मुकदमा दर्ज किया, यही 302 आम क्रिमिनल के खिलाफ भी लगाई जाती है अगर कोई मर्डर कर दे
और इस बच्चे और उसके वालद के खिलाफ भी यही 302 की दफा लगाई गई है। अभी तक मुलजम और उसका वालद फरार है। ये बच्चा तालिब इलम गिरफ्तार होगा, उसकी ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होगी बल्कि मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा और ये आम कैदियों की तरह तो नहीं इसको रखा जाएगा। यकीनन बच्चों के हवाले से खासी कानून साजी मौजूद है और इसको ना सिर्फ बच्चों की जेल में भेजा जाएगा बल्कि आम रूटीन से हट के भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। पुलिस का कहना है कि मुलजम की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कत्ल होने वाले बच्चे के घर शोक की फजा है। बिल्कुल जी, शोक की फजा बनती भी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है ये। बच्चों में लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन एक्सेस टू गन्स या वेपन्स वाला जो इशू है ना, वो इस सारी बहस में ज़्यादा अहमियत इसलिए अख्तियार कर गया है क्योंकि जाहिर है या तो बाप की गन होगी या घर में किसी की पड़ी भी होगी, और अगर घर में असलहा है भी तो वो क्या आपने ऐसे अलमारियों में बेडों के नीचे रखा हुआ है, क्या किया हुआ है उसका, उसको किसी लॉकर में सिक्योर नहीं किया हुआ कि कोई भी बच्चा कोई भी शख्स उसको एक्सेस ना कर पाए सिवाय उसके जिसके नाम पे वो गन जारी हुई भी है। दिस इज़ वन एस्पेक्ट। द अदर इज़ कि 14-15 साल के बच्चों की कितनी लड़ाई हो सकती है कि उनमें से एक ने ये डिसाइड किया कि मैं इसको कत्ल ही कर दूं। मतलब ये सोच कहाँ से आ रही है? तो अगर गन ना भी उसकी होती और उसने अगर कर ही लिया था कि मैंने इसको कत्ल करना है तो वो कोई और चीज़ उठा लेता। कहने का मतलब है कि ये इंटॉलरेंस का लेवल कहाँ तक जा रहा है बड़ों में, अडल्ट्स में ओके वो भी सही नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन 14 साल के बच्चों में कि इतना कि मैं तुम्हें अब मार के ही छोड़ूंगा। एंड ऑल्सो नॉर्मलाइजिंग यूज ऑफ वेपन्स इज समथिंग दैट वी नीड टू स्पीक अबाउट। मतलब शादी ब्याह अकीकों सालगिरहों पे जो हवाई फायरिंग होती है ना, जो खुशी के मौकों पे होती है, अब दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस ऑल टुगेदर। मगर ये अब बस करें यार, अपने खानदानों में भी ये कह के कि हमारा तो त्यौहार है, हमारा तो कल्चर है, हमारा तो नॉर्म है, ये जहालत है, ये जहालत है। और ये जो दिस इज नॉट मेकिंग यू लुक कूल एंड नॉट जस्ट दैट, आई एम सॉरी बट थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड आर टीवी फिल्म्स एंड ड्रामास और बाहर के भी जो हम केबल वगैरह पे देखते हैं, देर इज एक रोमांटिसाइज किया हुआ है वेपन को, होल्डिंग अ वेपन, फायरिंग अ वेपन। जिसने कभी कोई गोली ना भी चलाई हो उसको अगर कोई ऐसा मौका मिल जाए तो उसका दिल बड़ा चाहेगा कि एक दफ़ा गोली चला। मतलब इसको एक बड़ा एक्साइटिंग एक चीज़ बना दी गई है एंड देन यू सी What things like happen. These happen. क्रिकेट की बात करनी है? करनी है। पेनफुल सी होंगी। कोई बात नहीं। पाकिस्तान करनी तो है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्तों का सफर खत्म होने को नहीं आ रहा। अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। वजह साफ है कि कोई नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा। खेल का उसूल है कि जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता तो उसका मुतबादल लाया जाता है, मगर यहाँ ये भी मुमकिन नहीं है। मजबूरन आजमाए हुए ही बार बार आजमाए जा रहे हैं। एक वक्त था कौमी टीम में जगह बनाने वालों की लाइन लगी रहती थी। अभी भी लाइन लगी हुई है जी, अभी भी लाइन लगी हुई है, लेकिन इन्होंने नहीं देखना उस तरफ। ऐसी कोई बात नहीं है कि एकदम से जी एक वक्त था बड़ा टैलेंट था, टैलेंट नहीं है। ये कहते हैं जी हमारे पास तो मुतबादल नहीं है। खुद चेयरमैन पीसीबी ने भी कुछ इन खदशात का इजहार किया, सुनिए। अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं है या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम भरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। अच्छा जी, अब बड़ी तैयारियों से डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स शुरू होने वाले हैं और क्रिकेट बोर्ड ने नए टैलेंट के लिए यहाँ से उम्मीदें लगाई हुई हैं, और लेकिन क्रिकेट हलकों में इसी बात पर बहस हो रही है कि दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स और बैटर्स पैदा करने वाली सरजमीन बल्कि हम अपनी बात कर रहे हैं, अचानक क्रिकेट के लिए बंजर क्यों हो गई है? क्योंकि नहीं हुई ना, मैं वही बात चली, अब्दुल्ला बात तो वही होगी ना, ये दे आर नॉट लुकिंग वी हैव सो मच टैलेंट, ये मुड़ मुड़ के उन्हीं लोगों को फॉर वट एवर रीजन चांस मिलता चला जा रहा है। एक होता है टू टेक रिस्क एंड टेक न्यू पीपल हु आर टैलेंटेड बट नॉट टेस्टेड, करें आप। अच्छा जी, लेट्स सी, बहुत सारे अवामिल हैं, इस पे बात करेंगे हम। टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, अब चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा फ्रैंकली बता दिया कि इस वक्त जो हमारे खिलाड़ी हैं बस यही हैं। उन्होंने कहा जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो लिस्ट होती थी 10-12, वो नहीं है अब। अब मुतबादल
नहीं मिल रहे या है नहीं? अब बांग्लादेश जैसी टीमों से हम होम ग्राउंड पे 10-10 विकेटों से हार रहे हैं, सो व्हाट इज रॉन्ग? मतलब ये हम कहाँ इतने गलत चले गए कि जिस कॉम में क्रिकेट का क्रेज है, जुनून है, इश्क है, उसमें रिप्लेस करने के लिए टैलेंट नहीं है? हाउ इज दिस पॉसिबल? उन्होंने भी कहा कि सर्जरी होगी, बदायरा कोई ऐसी चीज थी ना जिसकी वजह से सर्जरी की बात हो रही। प्लेयरों को कहा गया कि आप जो है रेस्ट करें, ये फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स को इनको हम चांस देते हैं, मगर नहीं मानते थे। मतलब ये वही चीज है। और उसके बाद जाहिर है कि जब नहीं ये इतना टाइम चल पड़ा तो अभी इसलिए आपको नजर आ रहा है कि प्लेयर्स की शॉर्टेज नजर आ रही है, पर जो आपके परफॉर्म किए हुए प्लेयर हैं डोमेस्टिक में, उनको इस टाइप की सीरीज में एक एक दो को जरूर चांस देना चाहिए। दें तो पता चल जाएगा, नहीं होगा वो फिर ये भी शोर नहीं बचेगा ना कि डोमेस्टिक प्लेयरों को जो है हम चांस नहीं दे रहे। ये कोई नहीं है कि यही हमारे पास सिर्फ मौजूद है, मैं खुद भी कहता हूँ, लेकिन उस लेवल में तो जब तक आप चेक नहीं करेंगे उस लेवल में कैसे पता चलेगा कि आप प्लेयर नहीं। अच्छा, अब ये भी बता दें कि मोहसिन नकवी ने ये वादा किया है कि खिलाड़ियों का टैलेंट पूल बनेगा। अब टैलेंट पूल बनाने की बातें हो रही हैं और इसके लिए कोई ज़बरदस्त किस्म के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। आपके ख्याल में ये ठीक डायरेक्शन है? और हालांकि ये अजीब सी बात लगती है लेकिन हमें पूछना ही पड़ेगा कि नया टैलेंट जो है, नए लोग जो हैं, हमें मिल जाएंगे? देखिए, कोई भी चीज़ की जाएगी ना तो वो बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी है, हम खुद भी कहें। और जहाँ तक आपका ये कहना है तो जहाँ तक मुझे पता है कि 150 प्लेयर्स जो हैं वो उनका वो निकाला गया है, और 150 प्लेयर्स में जाहिर है वही डोमेस्टिक के प्लेयर हैं सारे जो कुछ भी है मौजूद आपके पास, और इन्हीं में से देखेंगे। हाँ, एक चीज़ पे मुझे थोड़ा सा एतराज़ इसलिए है कि शायद चेयरमैन साहब को ना पता हो, ये जो एनालिस्ट निकाल के देते हैं चीज़ें, ये प्लेयर जो सिलेक्ट होंगे ये 3 साल पहले की परफॉर्मेंस, यानी 3 साल पहले जो परफॉर्मेंस दी होगी उसके बाद और उसके बाद, यानी 3 साल की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा? मैं तो नहीं समझता। 3 साल पहले किसी शख्स ने अगर परफॉर्मेंस किया हुआ है और उसके बाद अगले 2 साल नहीं किया तो इसका मतलब है वो तो नहीं है फॉर्म में नहीं है। और अगर उसने वो वाला आप 3रा साल मिला रहे हैं तो फिर तो वो तो मेरे नजदीक वो ठीक नहीं है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे बातें होनी थी ना कि सर्जरी करेंगे, अब दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट की जब भी बात होती है ना आजकल के दिनों में, वो सर्जरी वाला कमेंट जो है वो ज़रूर उस पर बात होती है। और अब मुझे लगता है कि ये भी होगा कि हमारे पास तो कोई ऐसा कोई टैलेंट पूल ही नहीं है, हम तो मुश्किलों से ढूंढ रहे हैं। ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं ना तो वो आगे कहानियाँ बनती हैं, स्टोरीज बनती हैं। जैसे जब हमारे पास 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके अलावा कुछ नहीं है, विच इज़ सो सैड बिकॉज देयर इज सो मच टैलेंट आउट देयर। और वो बेचारे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं चले वॉट एवर, वो बैठे हुए अपने घरों में सोच रहे होंगे लुक एट अस, हमें तो चांस ही नहीं मिल रहा आगे आने का, हम तो बैठे हुए हैं। टैलेंट तो सर्टनली है, ये बात तो नहीं है कि टैलेंट नहीं है, मगर उन्होंने ये कहा कि निज़ाम ख़राब है, डेटा नहीं था। सो उस डेटा और उस निज़ाम को ठीक करें जिसमें जो बच्चे टैलेंटेड बैठे हुए हैं घरों में उनको लेके आए, उन्हें निकालें। वो टैलेंटेड हैं, वो अपने अपनी अपनी जगहों पे परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, दिखाते रहे हैं। मतलब टैलेंट है तो दुनिया भर की हमारी काउंटीज और लीग्स जो है हमारे लड़कों के पीछे पड़ी होती है। गलती आपकी है कि वो डेटा पूल जो है वो आपने नहीं बनाया, वरना देयर इज इमेंस टैलेंट। अच्छा जी, वैसे तो ये बात अब समझ आ जानी चाहिए लोगों को, लेकिन एक और तहकीक हुई है जिसमें कहा गया है कि वालदैन 11 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन्स ना दें, ये बच्चों की जहनी सेहत के लिए ठीक क्या नहीं है, बेड़ा गर्क कर देता है उनका। वालदैन को ये मशवरा किसी और ने नहीं बल्कि बरतानिया में मोबाइल नेटवर्क फराहम करने वाले सबसे बड़े इदारे ने खुद दे दिया। बेसिकली कहने का मतलब है थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी कर दें। बच्चे तो इंसिस्ट करेंगे जब सारों को देखेंगे कि जी उनके पास फोन है तो हम क्यों ना, हमारे पास क्यों ना फोन हो। अब फोन देने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मार्टफोन देने पर प्रॉब्लम है। सो वालदैन जो है उनसे ये भी कहा गया है कि 11 साल से कम उम्र बच्चों को नॉन स्मार्टफोन्स दिए जा सकते हैं और ये उनकी तमाम जरूरियात जो होती हैं, कॉल करना, आपका उन पे चेक रखना कि किधर हो कहाँ हो, वो सब कुछ पूरा हो जाएगा इसी में, इतना काफ़ी होता है बिफोर दे टर्न अ सर्टेन एज। स्मार्टफोन इज़ अ वर्ल्ड ओपनिंग अप जिसके लिए वो अभी तैयार जहनी तौर पे
अभी तैयार नहीं है. एंड व्हाट डू दे प्ले गेम्स और दे वॉच वीडियोस एंड वीडियोस में भी अब यूट्यूब के शॉर्ट्स आ गए हैं. अब शॉर्ट्स में आप कभी ना खुद ये महसूस करें कि 10 मिनट आप इंस्टाग्राम की रील्स देखते रहें या किसी भी ऐप पे जाके रील्स देखते रहें, 12वें मिनट ना आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी. नॉट जस्ट एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाएगी, कुछ गलती से कुछ चीज़ें अगर आपके सामने आ भी जाएं तो वो एल्गोरिथम एक बन जाता है फिर, और आपका इंटरेस्ट हो आप देख रहे हैं तो उसको भी सिस्टम को पता चल जाता है, वो आपको वैसी ही वीडियोज़ दिखाना शुरू कर देता है एंड यू गेट इन टू इट. हज़ार चीज़ें और भी हैं. कहने का मतलब है ये उम्र जो है 11-12 मैं तो कहूँगी बल्कि 13-14 साल तक बच्चों को स्मार्टफोन ना दिए जाएं. दुनिया के मशहूर यूट्यूबर्स हैं जो कंटेंट बनाते हैं जिसमें दुनिया के नित-नए खिलौने वो अनपैक करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं, अपने घरों को उन्होंने सेट्स में कन्वर्ट किया हुआ है. दैट्स ऑल्सो वेरी अनहेल्दी. सो कैसे अपने बच्चों को महफूज रखें, इसके क्या असरात होते हैं. डॉक्टर नरगिस असद हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपने वक्त दिया. डॉक्टर साहबा जाहिर है ये हम सबको पता है, बचपन से ही पता है कि भाई मतलब जब से हमारे बच्चे हुए हैं या उससे पहले की बातें हैं, लेकिन अब ये बात दोबारा से रिएटरेट होना और उस कंपनी की तरफ से होना जो कि खुद मोबाइल डेटा फराहम करती है, कनेक्शन फराहम करती है, क्या असरात होते हैं बच्चों के जहनों पर. थैंक यू सो मच. आई थिंक आपका जो ये आज का टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है और नीड ऑफ द डे है, क्योंकि बिल्कुल अनफिल्टर्ड और माइंडलेसली आप बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है थ्रू स्मार्टफोन्स, थ्रू यू नो टैबलेट्स इन देयर हैंड्स, आईपैड्स, हर चीज़ है उनके पास, डिवाइसेस हैं मुख्तलिफ किस्म की, जिससे यू नो लाइक इट्स जैसे एक आम सी बात हम हमेशा कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के लिए तो स्क्रीन हैज ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ बेबी सिटर. तो वो अगर जब माँ बाप चाहते हैं कि थोड़ा बच्चा उनको डिस्टेंस दे दे और उससे उनको फुर्सत मिल जाए तो वो उसको स्क्रीन पकड़ा देते हैं. अब स्क्रीन के देखिए कोई भी चीज जब एक मार्केट में आती है ना और उसका एक फैड और फैशन डेवलप होता है. फोन नहीं थे बिल्कुल भी जब हम बढ़ रहे थे या हम यू नो स्टूडेंट्स थे या जब हमारी यंग लाइफ थी तो कोई किसी के पास पोर्टेबल डिवाइसेस नहीं होती थी, यू नो लैंडलाइन ही होती थी, वो भी किसी किसी के घर में होती थी, हर किसी के नहीं होती थी. फिर चले आ गए फोन्स, फिर फोन आ गए, फिर स्मार्टफोन्स आ गए, तो वो बस एक रैट रेस हो गई ना कि ये फोन और फिर अपग्रेडेड से अपग्रेडेड वर्जन आप लेते चले गए. जब आप घर में ला रहे हैं तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई उस पे फिल्टर नहीं है कि किसने देखना है किसने नहीं देखना, क्या चीज. जो भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं या जो भी डेवलपमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत बात करते हैं कि एज अप्रोप्रिएटनेस होती है हर चीज की. आप जब प्री मेच्योर एक्सपोजर दे दें जबकि बच्चे का अपना माइंड डेवलप नहीं है और वो फिल्टर्स डेवलप नहीं है कि क्या अप्रोप्रिएट है और क्या इनअप्रोप्रिएट है, तो कुछ भी देख रहा होगा, तो उससे उसकी कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल बिहेवियरल हर तरह की सेहत उससे अफेक्ट होगी. अच्छा डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वी 100% एग्री विद एवरीथिंग, खासतौर पर ये अनफिल्टर्ड कॉन्टेंट आना, टू मच इंफॉर्मेशन बिफोर बच्चे का एक जहन जो है वो रेडी नहीं है टू टेक सो मच इंफॉर्मेशन, वो एक ठूंसा चले जाना. आपने बड़ी सही बात की बेबी सिटर स्क्रीन को बना देना, लेकिन हाउ डू पेरेंट्स टैकल इट एज वेल, देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. एक तो पीयर प्रेशर तो होता है बच्चों का क्योंकि ऑब्वियसली उनमें दो को आप मना करेंगे तो चार के पास तो ऑलरेडी होंगे. हाउ कैन पेरेंट्स डील विद द फैक्ट कि एक प्रेशर भी है एंड इट इज़ ऑल्सो अ नीड ऑफ द डे, जहाँ आप बच्चों पे सर्वेलेंस के लिए नहीं लेकिन खबर रखने के लिए हमारे बच्चे किधर हैं कहाँ हैं, फ़ोन का होना बड़ा ज़रूरी है टू बी इन कॉन्टैक्ट. अब ये बच्चों को किस तरह समझाया जाए कि हम आपको फ़ोन दे भी रहे हैं लेकिन उनको पता भी चल जाएगा कि ये वो वाला फ़ोन नहीं है जो हमें चाहिए, ये स्मार्टफोन नहीं है, इसको ये बड़ा मुश्किल है मैनेज करना. हाँ, सही कह रही हैं आप, लेकिन देखें जब आप 15 साल के या 14 साल के बच्चे को ये समझाना चाहेंगे ना कि फोन इतना अप्रोप्रिएट है और नहीं है, वो नहीं होगा. यू हैव टू रोल मॉडल दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. देखिए आजकल तो आप मॉल्स चले जाएं, साल भर का बच्चा बैठा हुआ है प्रैम में और उसके हाथ में एक डिवाइस है,
इसी जो सिटिंग में आ गया, जैसे बच्चा बैठने शुरू होता है उसको पहला एक्सपोजर जो है वो स्क्रीन का मिलता है। इट हैज टू स्टार्ट वेरी अर्ली। आप 14, 15, 16 साल के बच्चे को फिर नहीं समझा सकते। हमारे पास पेरेंट्स आ रहे होते हैं 16 ईयर्स 17 ईयर्स, ये बच्चा तो कमरे से ही निकलता या निकलती और हर वक्त फोन हाथ में है, फोन हाथ में है। वो फोन उसको उस एज में नहीं मिला, उसने आपने बहुत पहले उसको दे दिया था। जिस जेनरेशन से है वो, उस वक्त तो स्मार्टफोन आ चुके और इससे क्या केमिकल इम्बैलेंसेस या कोई साइकोलॉजिकल इसके इफेक्ट्स हैं कि पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, अटेंशन नहीं होती है आपकी बच्चों की, फोकस नहीं कर पाते? अटेंशन पे बिल्कुल यू नो फर्क पड़ता है। कभी हम अपने सर्कल्स में ये हंस भी रहे होते हैं कि बच्चे यू नो या अफसोस कर रहे होते हैं एक तरह से कि पेरेंट्स ला रहे हैं बच्चे के अटेंशन के प्रॉब्लम्स को, और जब वो हमारे पास बैठा है तो दूसरी कुर्सी पे पीछे उसको फोन देकर ही बिठा देते हैं कि थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि हम बात कर सकें। उसमें आप बच्चों को पजल्स दें, कोई कलर अपने साथ, कलर बुक्स, चीजें, बुक्स लेकर चलें कि बच्चे को आपने इंतजार भी करवाना है तो वो अच्छा, दूसरी चीज़ों एक स्टोरी जो से पहले हम कर रहे थे आपकी बात से डेफिनेटली ये लग रहा है कि पेरेंट्स को भी अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी ऑल्टर करनी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली जो वो करेंगे वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बच्चों पे भी। डॉक्टर साहब आपसे पहले हम एक करना होगा जी, हम एक और खबर पे भी आपसे राय लेना चाहते हैं। ये सरगोधा का एक इंसिडेंट है जहाँ दो लड़कों की 14 साल के बच्चे 8वीं जमात के पढ़ते, उनमें से एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया, व्हाट्सएप पे लड़ाई हो गई। मतलब ये भी एक कड़ी है ऑफ दैट इनटॉलरेंस, और आप इसको जोड़ेंगी यूज ऑफ स्मार्टफोन से? व्हाट डू यू हैव टू से डॉक्टर साहब? यूज ऑफ स्मार्टफोन से भी, और यू नो लाइक मैं फिर कहूंगी कि अनअटेंडेड और माइंडलेसली जब आप बच्चों को चीजें दे देंगे, बच्चे उसी से ही अपना यू नो इमोशनल, जो उनकी इमोशनल डिसरेगुलेशन आती है ना थ्रू इन अप्रोप्रिएट चैनल्स, तो वो इसी तरह से आती है। एक बच्चों की नॉर्मल डेवलपमेंट में उनको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है, उनका इमोशनल इमोशनल कोशेंट या जिसको हम EQ कहते हैं वो बेहतर करने की जरूरत होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने की जरूरत होती है। यू आर वेरी राइट डॉक्टर साहब, आपने बड़े ये सारी चीजें हैं जो बड़ा जरूरी है जिंदगी आगे गुजारने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, होपफुली आपको कुछ फायदा हुआ होगा। प्लीज अल्टरनेट्स ढूंढें इंस्टेड ऑफ स्मार्टफोन्स, हम भी आपको कुछ सजेस्ट करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सों के नफाज के खिलाफ ताजर तंजीमें आज से मुल्कगीर हड़ताल कर रही हैं। दुकानदार रिटेलर्स किसी सूरत टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं हैं, यहाँ तक के रोजाना लाखों रुपए का कारोबार करने वाले भी रजिस्टर्ड कराने से इनकारी हैं। इसे हड़तर्मी कहा जा सकता है, बदकिस्मती भी कहा जा सकता है अपनी कौम की, और बदकिस्मती से बाज़ अपोजिशन जमातें भी अपने सियासी मफादात के लिए ताजरों और दुकानदारों की हड़ताल की हिमायत कर रही हैं। हालांकि ये जमातें समझती हैं कि टैक्स नेट में इजाफा मुल्की मीशत की लाइफ लाइन है, ऐसा करना बज़ाहिर टैक्स चोरी कल्चर की हौसला अफजाई है। JUIF जमाते इस्लामी के रहनुमा वाज़े तौर पर ताजरों के साथ खड़े हो गए। ताजर अगर हड़ताल करें तो उसको तो हमने अव्वल दिन से सपोर्ट किया हुआ है। ताजर दोस्त के नाम से ताजर दुश्मन स्कीमें हुकूमत मुतारिफ करवा रही है, जालिमाना टैक्स का निजाम लगा रही है। टैक्स देने पर किसी को एतराज नहीं है और जो मुनासिब टैक्स है वो लगना चाहिए, लेकिन इस तरह की स्कीमें जो मार्केटों को आइडेंटिफाई करें, किसी को 60,000, किसी को 40,000, किसी को 30,000 माहाना, चाहे उसका कारोबार जैसा भी हो, अदायगी करनी पड़े, तो ये टैक्स तो कबूल नहीं किया जाएगा। लिहाजा हमारी ये तहरीक हक तो आवाम को तहरीक आगे बढ़ रही है, और 28 अगस्त को बरोज़ बुध तारीखी हड़ताल होगी पूरे मुल्क में इंशाल्लाह ताला। तो एतराज़ इनका ये कहना था कि टैक्सों से इस तरह नहीं है, लेकिन ये सिलेक्टिवली इसको इतना उसको उतना, एनी वे विल टॉक मोर अबाउट दैट। लेकिन आज अगर ताजर टैक्स देने को तैयार नहीं है तो इसमें हुकूमतों के वक्ती सियासी मफादात और गलत फैसलों का भी हाथ रहा है। दिस नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट विच इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू द एक्सचेकर। तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं बेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक खास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में, बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं।
ظاہر ہے ایک دن میں تو اس حال تک پہنچے نہیں ہیں ہم. چیئرمین ایف بی آر ارشاد محمود لنگڑیال نے کل کراچی میں تاجروں سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ تاجر دوست اسکیم کسی صورت واپس نہیں ہوگی, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تاجروں کے جائز مطالبات مانیں گے. مارکیٹ ریٹ پر نظر ثانی کا وعدہ بھی کر لیا گیا. یہ واضح اشارہ ہے کہ حکومت اب تاجروں کے سامنے شاید گھٹنے ٹیکنے جا رہی ہے. اس سے پہلے بڑے بڑے زمینداروں نے کھاد پر سبسڈی کا معاملہ پارلیمنٹ سے حل کروا لیا, پھر فلار ملز مالکان نے ہڑتال کی دھمکی دی, ود ہولڈنگ ٹیکس معاف کرا لیا, پیٹرول پمپ مالکان کی ہڑتال کی دھمکی پر انتہائی کم مقدار میں لگایا گیا, پھر یہ ٹیکس بھی واپس ہوا. اب لگ یہی رہا ہے کہ تاجروں کے سامنے بھی یہی نیگوشیٹ ہوگا اور معاملہ وہیں آ جائے گا جہاں اتنے سالوں سے آتا رہا ہے. ہاں لگ یہ رہا ہے, لیکن آبویسلی وی ہوپ کہ ایسا نہ ہو اور کوئی بہتر آئیڈیاز جو ہیں مل بیٹھ کے کر لیے جائیں, کیونکہ یہ وہی والی بات ہوگی جو اورنگزیب صاحب کہہ رہے تھے, اگر مفتا صاحب کے زمانے میں یہ ہو جاتا. وی کین ناٹ گو آن ایوری ایئر سینگ کہ اگر یہ پیچھے ہو جاتا تو آج ہم ادھر نہ ہوتے. اتنی جان سب چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال صاحب نے کہہ تو دیا ہے, لیکن اس سے ان کا کیا مقصد ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن فی الوقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر رانا احسان افضل صاحب. رانا صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا. رانا صاحب ظاہر ہے بہت سی سیاسی جماعتیں تاجروں کی اس ہڑتال میں ان کی ہم آواز ہیں, اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی لگتا ہے اور یہ اسکیم ٹھیک ہے اور یہ ملک کے مفاد میں ہے تو آپ نے کیوں نہیں انہیں انگیج کیا؟ مطلب فار انسٹنس حافظ نعیم صاحب کو بٹھا کے بتا دیتے, سمجھا دیتے کہ حافظ صاحب یہ ہم کر رہے ہیں, آپ اس میں بتائیے آپ کو کیا اعتراض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو مختلف جو تاجر نمائندہ جو اسوسیشنز تھیں اور جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز تھے ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوتی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اسکیم آئسولیشن میں بنی ہے, ان کے ساتھ ایک سٹیک ہولڈر ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے یہ اسکیم جو ہے وہ لانچ کرنی ہے. دیکھیں ایک چیز کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونی چاہیے کہ 76 سالوں میں کلیکٹیو فیلئر ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ میں ریٹیل سیکٹر کو نہیں لا سکے. تو اب یہ وقت ایسا ہے کہ کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا اور حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ آگے بڑھے گی. اب میرے خیال سے جو یہ اسکیم ہے ایک اچھی اسکیم ہے اور اگر آپ چاہیں تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. تو اب تین تاجروں کے جو ہیں وہ اس پہ اعتراضات ہیں. ایک تو ہے کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا, تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی سیکٹر ٹیکس نیٹ میں نہ آئے. ایک یہ ہے کہ اتنا زیادہ ٹیکس نہیں دینا, تو آپ ٹیکس فائل کریں گے اور اگر آپ کی انکم جو ہے وہ اتنی نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر ایک اسپیسیفک ٹیکس لگے تو وہ نہیں لگے گا, تو آپ فائلر بنے. تیسرا جو ہے یہ فکس ٹیکس ریٹ جو لگایا جا رہا ہے جس کے اندر 78 سلیبز ہیں, 78% جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ تو 5000 کے اندر ہے اور پھر 0.4% سیکٹر ایسا ہے جس کو 60,000 روپے ماہانہ یہ ٹیکس لگے گا جو کہ ایک انڈیکیٹو ایڈوانس منتھلی ٹیکس ہوگا انکم ٹیکس. تو یہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اعتراض ہے, تو اس پہ بالکل ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. اور ایک یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم نے یہ دینا ہی نہیں ہے, لیکن اس کی اگر ایسی کوئی جینوئن وجہ ہے. یہ 60,000 روپے متعین کرنے کا کیا میکنزم ہے؟ مطلب یہ ایڈوانس منتھلی ٹیکس کیا ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں 0.4% پہ ہے, دیٹس ناٹ اے بگ یو نو فگر, پرسنٹیج ہے نا, یہ نمبرز پھر بھی بڑے ہو گئے ہیں. بالکل نمبر بڑے ہو جائیں گے, تو ان کو یہ جو 0.4 والے ہیں ان کو کیوں دینا پڑ رہا ہے؟ نہیں, اور کس کا کرائیٹیریا کیا ہے ان کا؟ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اب اگر بلو ایریا, اسلام آباد کے بلو ایریا میں ایک دکان ہے, تو اب آپ یہ تو ازیوم کریں گے کہ اس کی انکم اتنی ہوگی. ایک ازمپشن وہاں ایک سروے کیا گیا ہے اور والیوم کو جج کیا گیا اور ادھر دیکھا گیا ہے کہ یہاں ایک چھوٹی سے چھوٹی دکان کی بھی اتنی انکم ہے کہ اس کے اوپر 60,000 روپے انکم ٹیکس ماہانہ لگے, کیونکہ وہ کروڑوں کی اگر اربوں کی نہیں دکان تو وہاں اتنے کی ہے. تو 60,000 ایک اس کا ایک ایریا کا وہ تعین کیا گیا ہے کہ یہاں ایک دکاندار کی اتنی انکم بنتی ہے کہ اس کو ماہانہ 60,000 روپیہ ٹیکس دیا جائے. تو ایریا وائز سروے کیے گئے ہیں اور پھر یہ تعین کیا گیا ہے. اور 78% ایریاز میں تو 5,000 ماہانہ ٹیکس ہے, 14% میں 10,000 ہے, پھر 5% میں 20,000 لگایا گیا ماہانہ, 2% پہ 30,000 ہے اور 0.4% تاجروں کو بھی اعتراض ہے. اور ابھی حافظ نعیم صاحب کی گفتگو ہم نے سنائی تھی, ان کو بھی یہ اعتراض ہے. یہ ایک اسمپشن ہے کہ چونکہ آپ بلو ایریا میں آپ کی دکان ہے تو آپ یہ 60,000 جو ہے دے سکتے ہیں. مطلب یہ لگتا ہے بہت سرفیس پہ انویسٹیگیشن ہے, اس کو ذرا زیادہ پروب نہیں کرنا چاہیے. ساری دکانیں تو ایک جیسی نہیں ہوں گی.
देखें अब इस पे हम इस हद तक एग्री किए हैं कि अगर एक स्पेसिफिक दुकान है वो कहती है कि मेरी इतनी इनकम नहीं है या मेरी इतनी सेल वॉल्यूम नहीं है तो वो अपने कागज वगैरह लेके आ जाए तो उस चीज को कंसिडर किया जा सकता है। तो इसमें ये एक वो ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप शो कर दें प्रूव कर दें कि आपकी इतनी इनकम नहीं है तो वो नहीं लिया जाएगा, उसको स्लैब को कम कर दिया जाएगा, लेकिन आपको इस टैक्स नेट में आना पड़ेगा। देखें एक और चीज हमने की है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं जो रिटेलर्स को अपना माल देते हैं वो 2.5% विथहोल्डिंग जो है वो जमा कराएंगे उन के बिहाफ पे, रिटेलर्स के बिहाफ पे, तो वहां से भी ये चेक होगा कि रिटेलर्स को कितना माल जा रहा है, होलसेलर्स रिटेलर्स को कितना। तो ये इतना आसान नहीं है अब इससे बाहर निकलना। और देखें हमें रियलाइज करना होगा कि अगर इस मुल्क की टैक्स टू जीडीपी अगर 8% और 9% के दरमियान में होवर अराउंड करती रहेगी जबकि दुनिया की एवरेज 15-20% के ऊपर है तो ये मुल्क नहीं चल सकता। देखिए इस बात पे तो किसी को कोई एतराज नहीं है कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, लेकिन एट द सेम टाइम अगेन रिएटरेटिंग ये बड़ी ही सतही अप्रोच है कि अगर आप शालम मार्केट में बैठे हैं लाहौर में या आप बोरी बाजार कराची में बैठे हैं या आप तारिक रोड कराची में बैठे हैं तो वहाँ पे ऐसे भी दुकानदार हैं जो करोड़ों रुपया 3 दिन में कमाते हैं और ऐसे भी हैं जो हज़ारों भी नहीं कमा पाते हैं। यू नो किसी ने नया कारोबार शुरू किया है, कोई दुकान किराए पर लिए उसकी जाती नहीं है। सो देर हैज़ टू बी समथिंग एल्स डन टू डिटर्मिन के कितना टैक्स इस शख्स पे बनता है, क्योंकि अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि वो बंदा आए अपनी पॉज की स्लिपें लेके तो फिर वो तो आपको पता ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे डालना जो सिरे से टैक्स ही नहीं देना चाह रहा वो नहीं करेगा और वो फिर इन ऐसी एहतजाजों में ही शामिल होगा कि हमने देना ही नहीं है। उसका आपने जिन रोड्स की बात की है उधर उसकी एक दुकान अगर एक मरले की भी दुकान है तो उसकी क्या मालियत होगी? कम से कम उस एक दुकान की मालियत जो है वो मिनिमम भी लगाएंगे तो 2-3 करोड़ रुपए की मरला होगा, ज्यादा ही होगी सर। ज्यादा ही होगी। तो देखें ये एक बेसिक मिनिमम अगर सैलरीड क्लास जो है वो 10 लाख रुपए अगर महाना कोई कमा रहा है वो उसके ऊपर 30,000 या 40,000 टैक्स दे सकता है महाना, तो वो ये जो करोड़ों की मालियत के ऊपर बैठे हुए हैं एक पूरा सर्वे किया गया है सर, दुकान की मालियत पे फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे ना, आप दुकान की मालियत से हो सकता है किराए पे हो वो दुकान, वो किराए पे हो, बाज लोगों को इनहेरिटेंस में मिलती होती है, उनका कारोबार इतना नहीं होता कि वो 10 लाख रुपए प्रॉफिट लेके जा रहे हो घर। ये दिस आल्सो इज अ रियलिटी। देखें अगर आप अपनी इनकम फाइल करते हैं और उस इनकम में आपकी इनकम इतनी नहीं है जितना ये टैक्स लगा है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा, तो ये तो आपको साबित करना होगा ना। देखें अगर आप अपनी इनकम फाइल करना शुरू कर दें और उसमें आपकी नहीं है, अगर आप कागज ये ले आते हैं आप दिखा देते हैं right. तो अब ये दो तरीके से चेक हो गया ना, एक तो अब आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो विथहोल्डिंग टैक्स आपका काट रहा है तो हमें ये पता चलेगा बेसिकली। राणा साहब सॉरी कटिंग यू ऑफ क्योंकि और भी बड़े सवाल है, बेसिकली आप कह रहे हैं फाइलर तो बने उसके बाद हम देख लेंगे कि किसका कितना बनता है एंड ऑल दैट, लेकिन ये सारी कहां होता है सर, आपको पता है कितना टीडीएस प्रोसेस है वो भी, ये भी लोगों को इस चीज का, लेकिन ये जरूर बताएं अब सियासी पार्टियों का मिल जाना ये तो लगता है कि आपका पूरा कैंपेन जो है ये इसी में ही शायद ठप हो जाए क्योंकि सियासी पार्टीज अब इन्वॉल्व हो गई हैं। उसके बाद हमें पर्सनली खौफ ये है कि आपने कहीं ना कहीं तो ये टैक्स डालना ही होगा फिर एंड में आके मलबा सैलरी क्लास पे आएगा। ये देखें एक तो हम अपील करते हैं सबसे कि ये एक कौमी फरीजा है और इसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। हुकूमत हर लिहाज से ओपन माइंडेड है, अगर उनके पास कोई बेहतर कोई हमने तो मैकेनिज्म बता दिया कि अगर कोई कहता है मैंने 60,000 इंडिकेटिव टैक्स नहीं देना इनकम टैक्स मंथली तो वो अगर शवायद दे दे और उसका हम मैकेनिज्म बना सकते हैं तो इस चीज़ के ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर ये चीज़ें आप सियासत की नज़र जिस तरह हमेशा होता रहा है और यही एक फेलियर रहा है पाकिस्तान का कि टैक्स कलेक्शन हमारी इतनी लो है तो हम इसको इसके बिल्कुल प्रेशर में नहीं आएंगे। गवर्नमेंट स्टैंड लेगी, अवाम को भी स्टैंड लेना चाहिए, सैलरी क्लास को भी स्टैंड लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको अदा करे। और अगर देखें कोई यहां आपको लगता है कि कोई चीज हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं हम दोबारा बैठ सकते हैं, लेकिन ये चीज रुकने वाली नहीं है, इट विल नॉट स्टॉप। हमें इस मुल्क के अंदर टैक्स जो कह लें रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक की उसको हमें इंश्योर करना है कि वो करें। ये नहीं हो सकता कि सैलरी क्लास और एक मखसूस तबका उसके ऊपर बोझ। एक तो आज स्ट्राइक है आपको पता है मुलगीर एक स्ट्राइक है, दूसरा इन द पास्ट हमने देखा है पॉलिटिकल प्रेशर में आके सारे टैक्सेस जो हैं ताजरों के खासतौर पर वो विड्रॉ किए गए हैं,
तो वी विल नॉट टेक नेम्स, लेकिन ये पूरी चीजें एस्टेब्लिश्ड हैं। अब आप किस तरह, हाउ आर यू गोइंग टू होल्ड ऑन टू द फैक्ट कि चाहे जो भी हो जाए इस पूरी इंडस्ट्री को हमने टैक्स करना है, स्पेशली अब आपको पता है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व रहे इधर, क्योंकि बेबी स्टेप्स लिए होते हैं ना तो फिर एक बड़ा लैप तक लगाने के लिए तैयार होते हैं, अब वो तो लिए ही नहीं गए कभी भी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रिजॉल्व है कि उन्होंने एफबीआर की ओवरहॉलिंग करनी है, डिजिटाइजेशन का अमल इस वक्त अंडर प्रोसेस है, रिटेल टैक्सेस ताजर दो स्कीम लॉन्च हो चुकी है, देर इज नो टर्निंग बैक। ये रिजॉल्व इट इज कमिंग फ्रॉम टॉप डाउन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ट्वीकिंग हो सकती है, कोई 2-5% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इट विल मूव फॉरवर्ड। ये रिजॉल्व है हुकूमत का, ये रिजॉल्व है प्राइम मिनिस्टर का, और हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जहाँ सियासत हो रही है वहाँ सबकी जिम्मेदारी है कि उसको आइडेंटिफाई करें, जहाँ हमारी गलती है हम तैयार हैं कि हमें आप उसको पिन पॉइंट करें, हम उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता। एंगेज तो करेंगे ना, मतलब जाहिर है हड़ताल दर हड़ताल तो नहीं बर्दाश्त कर सकती है इकोनॉमी भी, सियासी पार्टियां भी जब मिल जाएंगी, तो आप पहले ही कह रहे हैं कि आपने ताजर तंजीमों को एंगेज किया था, अब आपको दोबारा करना पड़ेगा, अब सियासी जमातें भी साथ में शामिल हो गई हैं, हाउ वुड यू हैंडल दिस स्पेशली बिकॉज अब उनकी हड़ताल है तो वो उनको पता है कि आप अंडर प्रेशर आएंगे इससे। देखें हम वी आर ओपन, वो आए हम उनके पास जाएंगे, हम सारे जो डेटा है उनके सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी जो जिम्मेदारी है आप उससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। तो ये एंगेजमेंट के लिए, एंगेजमेंट से नहीं हम भागेंगे, लेकिन हम इस जो रिटेल सेक्टर है उसको इस दफा टैक्स नेट में आना होगा, और अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो सैलरीड क्लास का बोझ कुछ कम हो सकता है। देखिए बिल्कुल यही, आज अगर हमारे टैक्स रेट उस इंतहा पे चले गए हैं जो दे आर क्लोज टू यूरोपियन कंट्रीज, तो वो तभी कम होगा ना कि अगर हमारा जहां टैक्स इविजन है, जहां हमारी टैक्स बेस नहीं बढ़ रही, अगर हम उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं तो फिर यही स्टेप होगा कि फिर आप टैक्स रेट्स में कमी करना शुरू कर देंगे और तब आप एक बेहतर जो 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 टैक्स कलेक्शन है उसकी तरफ बढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो रिग्रेसिव रिजीम जिसमें पाकिस्तान फंस गया है, जहां सेल टैक्स जो है वो एक 18% पे आ चुका है, उसकी कमी भी फिर मुमकिन होगी, लेकिन दिस इज आई थिंक गॉट इट राणा साहब, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और हम आपको कहेंगे बेस्ट ऑफ लक जो आप करने जा रहे हैं। डेफिनेटली एवरीबॉडी जो लायबल है उसको टैक्स देना चाहिए पाकिस्तान में। माशी तजियाकार खुरम शहजाद भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। खुरम शहजाद, सबसे पहले तो यही बात है कि ताजिर जो हैं वो अपनी हड़ताल के लिए बहुत से मुतालबात बता रहे हैं, लेकिन मरकजी मामला यही लगता है कि वो ताजिर दो स्कीम से बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि उनके लिए बिल्कुल ही दुश्मन स्कीम है। हाँ, ये दुश्मन स्कीम है, तो ये वाकई नाकाबले बर्दाश्त आपको भी लग रही है कि इसमें कुछ ट्वीक्स होने चाहिए थे। तीन चार सेक्टर से हम हमेशा बात करते हैं, आपको पता है उसमें रियल स्टेट है, उसमें रिटेल सेक्टर है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, कि वो सारे सेक्टर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रिलेटिवली काफी ज्यादा है, जबकि बर्डन जो टैक्सेस का हो मैन्युफैक्चरिंग पे काफी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर रिटेल सेक्टर की खाली बात कर लें आप, तो तकरीबन 18-19% का इसका शेयर है पूरी इकोनॉमी के साइज में, यानी कि इकोनॉमी अगर एक साल की $375 अरब उसका साइज है, तो जो रिटेल सेक्टर सिर्फ है वो $70 अरब के करीब कंट्रीब्यूट करता है तकरीबन। और उसके ऊपर जो आप देखें कि कितने हमारे पास पोटेंशियल कितना है, रिटेलर्स कितने, तो 3.5 मिलियन 35 लाख रिटेलर है हमारे पास, जिसके अंदर 41,000 जो है वो सेल्स टैक्स फाइल करते हैं, और तकरीबन कोई 4 लाख ऐसे हैं जो कि टैक्स फाइल करते हैं ओवरऑल, और इनकम टैक्स जो फाइल करते हैं वो आई थिंक रफली अराउंड 1.5 लाख है, और जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं इस हिसाब से, तो वो भी आप नंबर इसमें आप देखें कितना कम नंबर है रिलेटिव टू 35 लाख। मेरे ख्याल में इसमें टैक्स जो है सबको देना है, और ये दो स्कीम जो है ये कोई इतनी बुरी तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में टोटल टैक्स का बर्डन कम हो, लेकिन टैक्सेस सबको देने, और उसमें रिटेल सेक्टर बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं जितना उनका साइज। अच्छा, साल से खुरम साहब हम देख रहे हैं कि ताजर टैक्स नेट तो छोड़ें, किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन में आने के लिए तैयार नहीं होते, कोशिशें की जाएं तो हड़ताल करते हैं, क्या किया इस मरतबा? ज़ाहिर है हड़ताल फिर हो रही है, हड़तालें होने दी जाएंगी और हुकूमत अपने फैसले पर आपको लगता है कायम रहेगी? देखिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को जो है ना पहले तो सोल्यूशन मेरे ख्याल में एमिकेबल सोल्यूशन होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए डेफिनेटली, और सबका पॉइंट ऑफ व्यू जो है सुनना चाहिए। लेकिन देखिए इवेंचुअली क्या है, इवेंचुअली अगर आप एक सेक्टर बहुत बड़ा अगर टैक्स से बाहर रहेगा
और वो अपनी बात सिर्फ इसलिए बनवाएगा कि जी वो मार्केट्स बंद हो जाएंगी और उसका इम्पैक्ट होगा और गवर्नमेंट अपने रेट जो है वो नहीं जो है इम्प्लीमेंट कर सकती, तो फिर तो देखें स्टेट का फेलियर ही होता है ना कि आप अपने उस हिस्से से टैक्स नहीं ले रहे हैं जिसको देना चाहिए और उसी को बर्डन करते जा रहे हैं जिसको टैक्स रिलेटिवली नहीं देना, यानी कि फॉर्मल सेक्टर, जो आपका फॉर्मल सेक्टर है चाहे वो कॉर्पोरेट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड है, नॉन सैलरीड क्लास है, इन सब पे बर्डन बढ़ता जा रहा है और यही हमें ठीक करना है। देखिए यही इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है कि सबका हिस्सा होना चाहिए टैक्स के अंदर, जो जितनी अर्न करता है वो अपना एक फेयर शेयर जो है वो स्टेट को दे ताकि स्टेट उसको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी मुराद जो है वो दे सके और अपने अपने आप को भी ठीक कर सके। और राइट खुरम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम ये है कि हम इन द पास्ट अगर रेकर्ड देखा जाए तो ये ताजर जो हैं ये अपनी बात मनवा ही लेते हैं और उसके बाद एक गैप आ जाता है टैक्स कलेक्शन में एंड देन नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग वो गैप कौन फिल करता है। तो सैलरीड क्लास ही होती है, उन्हीं पे बोझ गिरता है तो उसका बड़ा डर है। एंड ऑल्सो ताजर क्यों नहीं देते टैक्स, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई रिजर्वेशंस हैं तो उन्हें बैठ के हल करें। जाहिर है आपको भी पता है, इर्द गिर्द सबको पता है, मार्केटों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी लिटरली 8 गज की दुकान है और बैंक बैलेंस में 6 लैंड क्रूजरें खड़ी हुई हैं। हाँ हाँ, ये तो मतलब वीसी है। एंड यू नो अच्छी बात है, आप इतना कारोबार करते हैं लेकिन आप कंट्रीब्यूट भी करें, मुल्क को भी तो थोड़ा सा फायदा हो। अच्छा जी, अगर तो टाइम है तो थोड़ा सा बिल्कुल मौसम का एक हालात, क्योंकि मुल्तान का बहुत बुरा हाल हुआ है, रेकर्ड ब्रेकिंग कोई वहाँ बारिशें हुई हैं और हम चाहते हैं हमें 147 मिलीमीटर गुज़िश्ता 18 घंटों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मुल्तान में बारिश का जो ये रिकॉर्ड है, जो 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, ये 48 सालों के बाद मुल्तान में बारिश का ये रिकॉर्ड टूटा है और इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें हसन परवाना, टीपू सुल्तान कॉलोनी, बोसन रोड, रशीदाबाद और मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो मुकम्मल पानी से ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोगों के घरों में पानी चला गया है, दुकानों में पानी चला गया है और गुज़िश्ता रोज़ जो ख्वाजा फरीद हस्पताल है उसके अंदर भी पानी चला गया था, जिसकी वजह से उनकी मशीनरी भी ख़राब हुई है और मरीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। ये जो बारिश का सिलसिला है महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले कुछ रोज तक जारी रहेगा। जी थैंक यू रिकॉर्ड जो है वो। सो अभी हम चोलिस्तान की सूरत हाल मालूम करेंगे, वहां से हमारे साथ हैं मलिक असलम। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह सिंध पंजाब के सरहदी इलाके और जनूबी पंजाब के ज़िला रहीमयार खान में भी मौसम इंतहाई खुशगवार है, फसलें लहला रही हैं और मतला अबर आलूद है। कभी बारिश हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। रात से जो है वो बारिश का सिलसिला जो है रिमझिम के साथ जारी है, जबकि इसके अलावा जो है ये तो है इस शहर की सूरत हाल जिसमें फसलें भी ठीक हैं, लेकिन हम अगर बात करें चोलिस्तान की तो वहाँ तो एक अलग ही रंग है। वहाँ पर चोलिस्तान में जो है जल थल का मंज़र है और बारिशें हो रही हैं और जो पानी के टोपे हैं वो भर गए हैं। जानवर, इलाका मकीन, चोलिस्तानी बाशिंदे खुशहाल नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि शहरी भी जो है चोलिस्तान का रुख कर रहे हैं, वहाँ पर जाके खाना पीना और पिकनिक मना रहे हैं, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है, पहाड़ी इलाका नहीं है। तो यहाँ के जो इस इलाके के बाशिंदों की, जिसमें घोटकी और रहीमयार खान, ये पसगिरदाई का, जनूबी पंजाब का जो भी इलाका, यहाँ रेगिस्तान लगता है, तो लोग जैसे ही मौसम खुशगवार और अच्छा होता है तो वो चोलिस्तान का रुख करते हैं, वहाँ पर इंजॉय करते हैं, वहाँ मौसम का मज़ा लेते हैं। और वहाँ जहाँ सख्त गर्मी होती है तो वहाँ इस दौरान जो है ठंडक का मज़ा लिया जा रहा है और खाना पीना पिकनिक खूब इंजॉय की जा रही है। मौसम खुशगवार है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में भी ऐसी ही सूरत हाल रहेगी और बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि इस मौसम से जो शहरी इलाके और थर के बाशिंदे जो हैं खुशहाल नज़र आ रहे हैं। भाई ज़बरदस्त, माशाल्लाह भाई, ये तो डेस्टिनेशन बन जानी चाहिए, क्या खूबसूरत और ग्रीन इस वक्त, ऑब्वियसली ग्रीन ही लग रहा है, हुई है ना, और आपको पता है मुझे लग रहा है कि कितना हम देखते हैं सफाई भी नजर आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना अच्छा है, मतलब सड़कें हैं। अभी सड़क मैंने देखी, मैं हैरान रह गया कि यार ये सड़क, मैंने सड़क नहीं स्पॉट की, मैं सड़क क्या देख रही हूं, स्पॉट कराते हैं। और खाना भी अच्छा बन रहा है, और क्या चाहिए, लूडो भी चल रही है। आप मेरी बात सुनिए, ये देखें, चेक करें जरा, देख लिया, नॉट बैड।
अच्छा रोल मॉडल बनाया जा सकता है। मेक सम रोड्स लाइक दीज इन कराची टू। थैंक यू। पाकिस्तान में ऑटो स्पोर्ट्स की तारीख बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन बड़े कम वक्त में बहुत से इवेंट्स एस्टैब्लिश होते जा रहे हैं। इनमें से एक है हबरेली ऑटो क्रॉस, और यहाँ सिर्फ स्पीड नहीं, एक्चुअली प्रिसीजन का ये स्किल का मुजाहरा होता है। और इस बार ये इवेंट हुआ है कराची डी एच सिटी में, जहाँ तीन कैटेगरीज में मुकाबले हुए, और खवातीन की कैटेगरी में फातिमा बिनते अजहर कामयाब रही हैं। और फातिमा इस्मिदास इन कराची स्टूडियो। क्या हाल है आपका? पहले तो बताएंगे इंटरेस्ट इन दिस कैसे डेवलप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। मेरा इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हुआ कि आई एम अ सिस्टर ऑफ अ नेशनल चैंपियन, तो ही इज, ये तो घर की बात हो गई फिर तो। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा भाई इज एन इंटरनेशनल प्रो ड्रिफ्टर, पाकिस्तान के यंगेस्ट, तो ही इज एक्चुअली ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी एंड फॉर माई सिस्टर एंड लाइक द रेस्ट ऑफ आवर फैमिली एज वेल। अच्छा, अब थोड़ा सा फॉर आवर व्यूअर्स ये बता दें कि हमने ये बता दिया इसमें स्पीड इतनी नहीं होती ऑटो क्रॉस में, इट्स द स्किल दैट मैटर्स। यस, तो एग्जैक्टली क्या होता है इन नटशेल? उसमें बेसिकली होता है कि आपके पास एक कोर्स बना हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक कोन्स, आपने उसको मैनूवर करना होता है विद प्रिसीजन एंड स्किल, एंड यू हैव टू ट्राई नॉट टू ड्रॉप एनी कोन्स एंड ट्राई टू कवर इट इन द फास्टेस्ट टाइम पॉसिबल, मिनिमम टाइम। ये गाड़ी आप लोग जहाँ जहाँ से आ रहे होते हैं खुद लेके आते हैं, या यहाँ पे अपनी मर्जी की कुछ होती है मिल सकती है, क्या होता है? ये पर्सनल प्रेफरेंस होती है, आप अपनी भी चला सकते हैं, आप बोरोड भी चला सकते हैं। और इसमें कितना फर्क होता है, कितने सेकंड्स के फर्क से विनर का तायुन हो रहा होता है, और ये कितना लंबा कोर्स होता है, इससे भी हमें आइडिया हो जाएगा ना? ये मिली सेकंड से भी डिफरेंस पड़ जाता है इसके ऊपर, आप फर्स्ट से सेकंड हो जाते हो, मिली सेकंड से सेकंड्स का डिफरेंस हो जाता है। और ये वाला जो ट्रैक था ये था 1.7 किलोमीटर का। 1.7 किलोमीटर, और ये आपने कितनी देर में किया? 1 मिनट 17 सेकंड। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये बताएं कि आप दिस नॉट योर फर्स्ट टाइम दो? नो, इससे पहले भी आप कर चुकी हैं? क्या कर चुकी हैं? इससे पहले मैं दो ऑटोक्रॉस और जो लाहौर में कंडक्ट हुए थे रूम रेसिंग सर्किट पे, मैंने उनमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं राउंड टू में फर्स्ट आई थी। तो दिस टाइम दे बेसिकली हेल्प मी and provided me with one of their race cars, जिसके साथ मैंने कम्पीट किया इन हबरेली ऑटोक्रॉस। अच्छा, ये ज़रूर हमें बताएं कि इसकी प्रेप क्या होती है? When you knew that you were coming for this, तो आप लाहौर में क्या प्रैक्टिस कर रही थी और किधर कर रही थी? How do you prep for this? एक आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है हमारी नॉर्मल रोड के ऊपर जाते हुए, आप बाइक वालों को बचा ही रहे होते हैं। हम बड़े जबरदस्त किस्म के ड्राइवर्स हैं। हमारा जो लोकल ट्रैक है लाहौर में, मैं उधर कभी कभी चले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रेपरेशन जब आप प्लान कर लेते हैं, एक दफ़ा हम लोगों ने भी जब प्लान कर लिया था, डिसाइड हो गया था कि हम कराची आएंगे फॉर दिस ऑटो क्रॉस, जो यहाँ पे आके हमें हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब ये डिसीजन बन चुका था, तो फिर आप अपनी गाड़ी के कोई भी अगर चेंजेस होते हैं, टायर्स आपने करने होते हैं, अपनी ब्रेक सेट करनी होती है, आपने सारा कुछ करना होता है, वो चीज़ें आप फिर उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेते हैं। सो आर यू लाइक यू नो, आप अवेयर हैं कि आपकी गाड़ी, हाउ द गाड़ी वर्क्स? बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स एक ज़रूर ये कहा जाता है, क्रिटिसिज्म होती है कि जी ड्राइव तो कर लेंगे, लेकिन गाड़ी का कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको और आपको तो गाड़ी भी किसी और ने फराहम की थी, तो वो दैट वाज नॉट योर पर्सनल कार, सो यू नो टू सेट ऑन इट, और वो भी एक टास्क। सो डू यू हैव सम बेसिक अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ हाउ द इंजीनियरिंग वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क? आई एम अ गुड, प्रीटी गुड ड्राइवर, और ये वाकई में ये वाली मेरी गाड़ी नहीं थी, मैं फॉरवर्ड व्हील से रियर व्हील में शिफ्ट किया था मैंने फॉर दिस कार। और पहले लास्ट कंपटीशन में मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव की थी, और इस वाले मैंने मैनुअल की थी, तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट माय कार, बट यू हैड प्रैक्टिस्ड फॉर इट। आपको पता था कि मैं आगे जाके कौन सी गाड़ी करूँगी, तो आपने लाहौर में ऐसी गाड़ी पर प्रैक्टिस किया होगा? लाहौर में मैंने अपनी दूसरी गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिस किया था, और कॉम्पिटिशन से एक दिन पहले मैंने। ऑटो क्रॉस इवेंट्स होते हैं, हाउ बिग आर दे इंटरनेशनली? मतलब हमारे यहाँ से यहाँ आप लोग जाते हैं, कभी गए हैं बाहर कहीं कॉम्पिटिशन करने, या हमारे यहाँ? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम लिटरली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट, दिस पर्टिकुलर ऑटो क्रॉस इवेंट। हाँ, वैसे रैलीज वगैरह की तो हम बात जीप रैलियाँ, वैसे डेजर्ट रैलियाँ, ऑफ रोडिंग्स की बहुत बात होती है। ऑटो क्रॉस इज अ गुड स्पोर्ट, उसको बस थोड़ा सा बड़ा होने की ज़रूरत है फिर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं एंड दे आर वेरी गुड, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से ये चीज़ इंटरनेशनल चली जाएगी तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान का ही सिर्फ नाम जाएगा साथ में। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर। अच्छा, आप जल्दी से ये बता दें, क्योंकि ये हमें बात बड़ी अच्छी लगी कि आपके भाई ने ही आपको इस स्पोर्ट में इंट्रोड्यूस किया, तो हम ये बड़ा इनक्रेज करते हैं कि भाई जो होते हैं, या बाप जो घर के फैमिली मेल फैमिली जो होते हैं, मेल फैमिली मेंबर्स, उनकी सपोर्ट होना तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। एंड वन मोर, हम बहुत एग्जांपल्स आपको देते हैं, वन मोर एग्जांपल इन फातिमा हम देख रहे हैं।
दोनों आपस में भी कम्पीट करते हैं कभी, ऐसा भी कुछ होता है भाई? नहीं, he is way too good. Way too good. Yes, I need a lot of practice. So had he done the same distance, he आपसे कम वक्त में कर लेते? इन्होंने मेरे से बहुत कम वक्त में किया. बहुत कम वक्त में कर लेते. लेकिन घर में हम कंपटीशन नहीं रख रहे हैं, हम बाकी दुनिया के साथ खेल रहे हैं. इसमें सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं? आपने अपनी सीट बेल्ट जरूर बांधनी होती है. यू हैव टू वेयर अ हेलमेट. यू हैव टू वेयर अ हेलमेट. सर्टेन सेफ्टी रूल्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं फॉर दिस. अच्छा, तो फातिमा, अब ऑब्वियसली वी सी गर्ल्स कमिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, और ये तो एडवेंचर में ही मैं ले आऊँगी. आगे आपने क्या करना है, इसको आगे लेके चलेंगी? डू यू विश टू कम्पीट समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड? मोटर स्पोर्ट्स जो है ना, वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. तो एक दो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके इट डज़ नॉट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस. तो जो जो जैसे जैसे इवेंट्स आते रहेंगे, कॉम्पिटिशन्स आते रहेंगे, उनके अंदर मैं पार्टिसिपेट इंशाल्लाह करूँगी. समथिंग कमिंग अप नेक्स्ट, वो अनाउंस हो जाएगा साथ साथ ही. चलें, लवली जी. ऑलराइट, फातिमा वैसे डेंटिस्ट हैं और दांत भी ठीक कर लेती हैं, और गाड़ी भी कभी खराब हो जाए तो ठीक कर लेंगी. कहीं किसी रास्ते करवा लेंगे भाई, साथ साथ चल रहे हैं तो व्हाई नॉट, ये भी होता ही चला जाएगा. थैंक यू फातिमा, अच्छा लगा आपसे मिलकर. थैंक यू सो मच. और जियो सुपर ने ये सारा इवेंट जो है वो लाइव कवर किया था, तो कुछ ने तो देख ही लिया होगा, आई एम श्योर. नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि बाकियों ने आज देख लिया होगा, लोगों का होता ही है. अच्छा जी, हमें मैसेजेस आ रहे हैं बारिश के हवाले से. हो रही है, और कराची में भी हो रही है बारिश, कहीं कहीं मेरा ख्याल है कि इस वक्त हो रही है. एंड फॉर अ चेंज, मैं आपको बताती हूँ ना, हमेशा मेरी ऐप जो है वो कुछ और बता रही होती है, लेकिन अब्दुल्ला आज ऐप जो है वो बारिश 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 ही चल रहा है, दिखा रही है. अभी हम चलेंगे राजनपुर, और वहाँ क्या चल रहा है ये बताएंगे लियास रज़ा. पंजाब के दीगर शहरों और राजनपुर में भी बारिशों का सिलसिला जारी है. बारिशों का सिलसिला कल से शुरू हुआ है, और वक्त वक्त से ये बारिश हो रही है. कभी ये बारिश हल्की हो जाती है, कभी ये तेज़ हो जाती है, और इस टाइम भी आप देखें कि बारिश हो रही है. बारिश के साथ तेज़ हवा भी है, मौसम भी इंतहाई खुशगवार हो गया है. बारिश की वजह से जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर गलियों मोहल्लों में पानी कई कई फुट जमा हो गया है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है. बारिश के बहस बिजली का निज़ाम भी दरम भरम हो चुका है. मुख्तलिफ इलाकों में कल से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है. कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में अब बारिश शुरू हो चुकी है, और इस टाइम हल्की बूंदाबांदी हो रही है. बरसाती नदी नालों में अभी पानी की सतह बिल्कुल सिफर है. हाली नदी नालों के सैलाबी पानी से तहसील रुझान शहर को शदीद खतरा लाग हो चुका है. सैलाबी पानी तहसील रुझान शहर के करीब डैम की शक्ल अख्तियार कर चुका है. ऊपर से बारिश हो रही है और तेज़ हवा चली है, जिसकी वजह से हिफाजी बांधों में शिगाफ पड़ने का शदीद खतरा है. लोग अपनी मदद आपके तहत शिगाफ को फिल कर रहे हैं. महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें बरसाती नदी नालों में तुगयानी का भी खतरा है, और सिंध में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होने का शदीद खतरा लाग हो चुका है. जी अच्छा, ये भी बड़ा ग्रीन है भी राजनपुर, और सड़कें भी अच्छी देख ली, लेकिन बिजली का बड़ा मसला है. जैसे कुछ इलाके हैं कल से बिजली नहीं है वहाँ, सो दैट इज़ डेफिनेटली कंसर्निंग. जो हम बारिशों के ऐसे स्पेल्स में देख लेते होते हैं, इनफैक्ट ऐसी खबरें ना अब दुनिया से आना स्टार्ट हो गई हैं. वेदर पैटर्न्स इतने इंटेंस हो गए हैं कि हमने दुनिया के और शहरों में भी देखा है कि बिजली जो है, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बिजली जो है वो बिल्कुल ही ठप हो जाती है. वैसे मेरी अब नहीं गई, बारिश हो रही है. मेरी भी नहीं गई, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. सो अल्लाह करे ऐसे ही रहे. अच्छा जी, JUI के रुकन कौमी असेंबली मेंबर हैं नूर आलम खान ने प्राइवेट मेंबर के तौर पर एक से ज़ायद आइनी तरामीम तजवीज़ कर दी है, और दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर तरामीम आला अदलिया और चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतालिक तो हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी ताल्लुक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियोरिटी से नहीं है, बल्कि ज़्यादातर का ताल्लुक असेंबलियों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी बढ़ाने और आला अदलिया के जजेस और अमले के दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी से है. नूर आलम खान ने आइन के आर्टिकल 51, 59 और 106 में तरामीम तजवीज़ की हैं, जिसके तहत कौमी असम्बली और सेनेट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 2-2 और 4 सूबाई असम्बलियों में एक एक नशस्त मुख्तस करने की बात की गई है. बिल के मुताबिक कौमी असम्बली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नशस्तों के लिए पूरा पाकिस्तान, जबकि सूबाई असम्बली के लिए पूरा मुतल्लिका सूबा हल्का इंतखाब होगा, जबकि सेनेट के लिए इंतखाब कौमी असम्बली करेगी. नूर आलम खान ने आइन के आर्टिकल 177, 193, 208 में भी तरामीम तजवीज़ की हैं, जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अफसरान और मुलाजमीन की भी दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी होगी, जबकि सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तजवीज की गई है कि तरमीम के तहत सिविल सर्वेंट्स के भी दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी हो. इसके अलावा नूर आलम खान ने आइन के आर्टिकल 184 में भी तरामीम तजवीज की हैं, जिनके तहत 184(3) के मुकदमात के लिए सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 9 रुकनी बेंच तश्कील देने और 30 दिन के अंदर अपील का हक देने की बात की गई है, जिसे फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा.
पार्टी की तरफ से है, पार्टी की क़यादत को एतमाद में लेकर आप ये कर रहे हैं, और क्या आइंदा कोई ऐसी तरमीम तो आपको लाने का इरादा नहीं है जो सवाल उठ रहे हैं? इस तरह ये मैंने 2018 में भी जमा की थी, ये किसी भी जज के खिलाफ हम नहीं है, किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। आइंदा भी आपका कोई ऐसी तरमीम का इरादा नहीं है लाने का जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत या ऐसा हो? कोई मुलाजमत और उसके साथ हमारा काम नहीं है, हमने खाली वो करना है जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान में हो, क्या चाहे वो जनरल हो, वो क्या ड्यूल नेशनल होना चाहिए? नहीं, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए जैसे MNA MPA नहीं होना चाहिए, मैंने ये बिल वो किया है कि ड्यूल नेशनल्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में भी ना हो और ना जजेस में हो और ना वो जनरल्स में हो, जैसे कि MNAs और MPAs नहीं। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। और वैसे हमारे यहाँ ये भी आम है कि बस हकायक के मुनाफी एक बेबुनियाद खबर बना दी जाती है, हकूमत के पास तो इस तरमीम के लिए दो तिहाई अक्सरियत भी नहीं है, और जब दो तिहाई अक्सरियत थी उस वक्त भी ये नहीं किया गया, तो बस ये उड़ा दिया गया कि ये तरमीम की जा रही है, और इस आड़ में चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाई गई। अब नूर आलम खान के प्राइवेट मेंबर बिल पर एक सिलसिला फिर चल पड़ा है, तो लेट्स सी ये बात कहां तक जाती है। वीलॉग्स किए जा रहे हैं, ट्वीट्स किए जा रहे हैं, रेडियो कमेंट्री हो रही है कि बिल्ली अथैले से बाहर आ चुकी है, लेकिन किसी ने ये मुजब्बजा तरमीम का शायद मुताला करना मुनासिब नहीं समझा। हकायक भी बयान करने चाहिए, और हमने सोचा कि हम आप तक ये हकायक पहुँचाएँ कि जितनी भी तरमीम है इसमें चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक कोई भी तरमीम मुजब्बजा नहीं है। अच्छा जी, ये दिस समथिंग दैट वी वांटेड टू शेयर विद यू। अब जरा मौसम का हाल एक दफ़ा फिर पता कर लेते हैं। गुड़ की जा रहे हैं और नज़ीर अहमद हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या हाल है। जी सिंध पंजाब के संगम पर वाक़े ज़िला घोटकी में मौसम इंतहाई खुशगवार है, आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं, मतला अबर आलूद है। गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिश का जो सिलसिला है वो आज भी वक्फे वक्फे से हल्की सुबह के औकात में बूंदाबांदी हो रही थी, जबकि कल से जो है बाड़ो, डेहरकी, मीरपुर माथेलो के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, और इस वक्त जो है आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं। बारिश के बाद जो है फूल पौधे और दरख्तों से मिट्टी झड़ जाने के बाद इंतहाई खूबसूरत जो है वो मनाजिर पेश कर रहे हैं। हर जानिब जो है चेहरों पर रौनक है, गर्मी का जो ज़ोर था वो टूट चुका है, और बारिश का हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो आज भी जारी है। और अगर मौसम के साथ साथ जो है बात की जाए नाश्तों की, तो सुबह के औकात में यहाँ पर जो है जहाँ एक जानिब जो नान, चने और दीगर जो है नाश्ते किए जाते हैं, लेकिन यहाँ ज़िला घोटकी की तहसील उबाड़ो के जो शहरी हैं वो चावल छोले जो है वो उसका नाश्ता कर रहे हैं, स्टॉल्स पर मौजूद हैं, स्टॉल्स पर छोले खा रहे हैं, पार्सल करवा कर घर ले जा रहे हैं अपने घर वालों के लिए। शहरियों का कहना है कि गर्मी का जोर टूटने के बाद जो है मौसम खुशगवार है, इसलिए वो इंजॉय करने के लिए नाश्ता जो है वो बाहर करने जो है कर रहे हैं। जी हां, मैं घोटकी आराम से शिफ्ट हो सकता हूं, क्योंकि आई कैन हैव राइस एनी टाइम ऑफ द डे। चावल छोले, मुझे नहीं पता कि क्या मौसम था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ओवर देयर, ये आप बता दीजिएगा। चावल छोले इज अ गुड आइडिया दैट नज़ीर अहमद हैज गिवन अस फ्रॉम घोटकी। आज मैं वही खा रही हूं। थैंक यू। थैंक यू। हो गया मेरा। अच्छा जी, यू आर गोना सी इट टुमारो इंशाल्लाह। बाय।